मनुष्य योनि का भोग। मनुष्य योनि में जन्म कैसे होता है। एक दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महल एवं अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे दो मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए दो मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला, रोटी बनाकर खाने के लिए दो मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, ये दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं, अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यत्व निखरा नहीं है, और जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरता तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा प्रभु ही है यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भरा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांगकर फिर देख क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया और योग सिद्ध काला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओह, वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई बघेरा है। आकृति तो मनुष्य की है लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं हैं। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसने मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण, रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है इसीलिए मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्यत्व दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे और बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे। यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर टका आना दुआना वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुँचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो, ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी पराठे पूड़ी आदि दे सकते हो वह इन्हें दे दो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर मोची भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती लेकर आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियाँ पहनी थी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप नहीं आया। 2-5 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आई तो राजा मंत्री से क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा और ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूँगा। दैव योग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसने मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ले ली एवं राजा के पास गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो यह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार ही पहन रहा हूँ, किस मोची ने बनाई है यह जूती। मंत्री बोला, हुजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा ने की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 500 रुपये होते हैं, किंतु यह 500 रुपये वाले नहीं है, 500 रुपयों वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपये इसको दे दो। मोची बोला, राजा जी, तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर बिना पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, राजा जी, यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे।
राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने के लिए निकला हूँ। राजा, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। ना जाने किसी जन्म में मैंने दान का संकल्प किया होगा और मर गया होगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊँ तो ना जाने मेरी कैसी दुर्गति हो। इसीलिए राजन ये रुपये मेरे नहीं हैं, मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी। फिर 500 रुपये मिलते तो भी इनके होते और 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आपबीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा कि राजन आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए लेकिन मनुष्यत्व का अंश इन मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों ने उसे भी कोई सियार देखा तो कोई हिरण, कोई बंदर तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया एवं उसने अपना चेहरा देखा तो शेर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है। वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण, वे तो कहीं चले गए, ऐसे महापुरुष कभी ही बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करें और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लेना कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है लेकिन सर्प उसको मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखें उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं या सचमुच ही हमने मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। कैसे? वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम जी तजी कुछ समाजू। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।